दर्शकों, मेरा नाम है प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। हमारे पीछे जिनकी तस्वीर है उनका नाम है जया किशोरी, जे देश की जानी मानी कथावाचक। इनका काम है देश भर में घूम घूम कर कथा वाचना करना, जिसमें गीता के उपदेश, रामायण, महाभारत और तरह तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कथाओं का जिक्र करना, और ये बतलाती हैं कि कैसे आप अध्यात्म का रास्ता चुन सकते हैं। ये बताती हैं कि भौतिक सुखों में कुछ नहीं रखा है जीवन में, शांति का मार्ग ही अंतिम मार्ग है। आपको अगर जीवन में सच में खुश होना है, खुशी का एहसास करना है, तो अपने आप को हल्का करिए। भौतिक चीज़ों का लोभ, काम का लोभ छोड़िए और पैसों का लोभ छोड़िए। धन की जीवन में बहुत आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है राम भजन की, हरि भजन की, और यही जीवन की सही सफलता है। जया किशोरी जैसे तमाम कथावाचक अपनी कथा के जरिए जो ज्ञान या जो शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब यही है कि आप धन, लोभ, पैसा, ईर्ष्या, इन सब को त्याग कर अध्यात्म की राह पर चलें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें, उसी तरफ असल शांति है। दर्शकों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप जया किशोरी या इन जैसे लोगों की कथा वाचन सुनते हैं, तो ये लगातार इस बात पर बल देते हैं कि आपको धन का त्याग करना होगा, आपको धन का लोभ छोड़ना होगा। धन का लोभ छोड़ेंगे तो ही जीवन में असल शांति की प्राप्ति होगी। जया किशोरी या इन जैसी देवी जी जब ये प्रवचन कर रही होती हैं, तो दर्शकों आपको ये पता होना चाहिए कि धन का त्याग, पैसों का मोह, भौतिक चीज़ों का त्याग, ये केवल आपको करना होता है। जया किशोरी जी या इन जैसे कथावाचक ये बात खुद के लिए नहीं कह रहे होते हैं। हाल फिलहाल में जया किशोरी जी एयरपोर्ट पर देखे गई और एयरपोर्ट पर इनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब ये इंटरनेट पर ट्रोल हो रही हैं। जया किशोरी जी एयरपोर्ट से कहीं पर जा रही थी और ये ट्रॉली बैग में इनका कुछ सामान रखा हुआ था। उस सामान में से एक बैग ऐसा निकला जिसकी कीमत, लोग ये बता रहे हैं इंटरनेट से खोज कर, जिसकी कीमत 2 लाख से अधिक है। क्रिश्चियन डियोर नाम का एक ब्रांड जिसका बैग मैडम के हाथ में था। बताया जा रहा है कि इस बैग की कीमत 2 लाख से अधिक है। मैंने आपसे क्या कहा, जया किशोरी जी कथा वाचन के दौरान धर्म का ज्ञान देते हुए, धार्मिक बातें कहते हुए कहती हैं कि मन की शांति के लिए धन का त्याग करिए, धन का लोभ मत करिए, भौतिक चीज़ों पर लोभ मत करिए, भौतिक चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए। लेकिन आपको ध्यान रहे दर्शकों, वो अपने लिए ये सब थोड़ी कहती हैं, इसीलिए वो ऐसा कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि मैडम का ये वाला जो बैग है ये 2 लाख से अधिक का है, और ये बैग लोगों ने बकायदा प्राइस के साथ क्रिश्चियन डियोर का वो लोगों ने शेयर कर दिया है। और सबसे बुरी बात इस पूरे मामले में ये है कि कथावाचक जया किशोरी जी सनातन का प्रचार कर रही हैं, खुद को सनातनी मानती हैं, और बकायदा हमें इनकी फीस से कोई मतलब नहीं है। मैडम एक एक कथावाचन का फीस मैडम का 9 से 10 लाख रुपए है। आपको अगर जया किशोरी जी का कथा सुनना है तो उसके लिए 9 लाख रुपए की बुकिंग होती है, जिसमें 4.5 लाख रुपए के आसपास इंटरनेट जो बता रहा है वो आपको एडवांस बुकिंग में कराना पड़ता है। इसका एक दूसरा पक्ष ये है दोस्तों कि जया किशोरी जिस कंपनी का बैग यूज़ कर रही हैं, हैंडबैग, इस कंपनी पर पहले बार बार आरोप लगते रहे हैं कि ये कंपनी जानवरों के चमड़ों का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में कर रही है। यहाँ तक कि इस पर यह भी आरोप लगे कि अपने बैग बनाने में या लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में ये कंपनी गाय के चमड़े तक का भी इस्तेमाल ये कंपनी कर रही है। जया किशोरी जी से तमाम सनातनी और इंटरनेट पर उनको जानने समझने वाले या उनको प्यार करने वाले, उनकी कथा सुनने वाले लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जया किशोरी जी क्या इस बात का जवाब देंगी कि दुनिया को त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाली, भौतिक चीज़ों से दूर करने वाली जया किशोरी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2 लाख का बैग लिए मैडम टहल रही हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि देवी जी भौतिक चीज़ों का त्याग भक्तों से कह रही हैं करने को, उन्होंने खुद के लिए ऐसा कोई पैमाना तय नहीं कर रखा है।